दोस्तों ब्रॉक लेसनर WWE के बीस्ट है और उनके मैचेस को देखकर एड्रेनालिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। मतलब उस लेवल का ब्रॉक लेसनर रिंग में आतंक मचाते है। और गाय जो कोई सोच भी नहीं सकता, कभी कभार हमें ब्रॉक लेसनर के ऐसे सैड मोमेंट भी देखने को मिल जाते है। और आज मैं आपको ब्रॉक लेसनर के पास सैडेस्ट एंड इमोशनल मोमेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम बेन और चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, ब्रॉक लेसनर एट MSG। दोस्तों मेडिसन स्क्वायर गार्डन के लाइव इवेंट में ब्रॉक लेसनर वर्सेस ऑस्टिन थेरी का मैच हुआ था। अब इस मैच के बाद रोमन रेस ने ब्रॉक लेसनर पे अटैक कर दिया था और यार रोमन रेस ने क्या बुरी तरह मारा था। मतलब लास्ट टाइम मैंने गोल्डबर्ग के सामने ब्रॉक लेसनर को इतना कमजोर देखा था, लेकिन ये ब्रॉक लेसनर का कमजोर से भी कमजोर मोमेंट था। अब अटैक करने के बाद रोमन रेस वहां से चले गए, जिसके बाद ब्रॉक लेसनर उठने की कोशिश कर रहे थे और ब्रॉक लेसनर के फेस से खून भी निकल रहा था, लेकिन इतना डिस्ट्रॉय होने के बाद भी ब्रॉक लेसनर के फेस पे स्माइल थी। एंड ऐसा ब्रॉक लेसनर फैन, ये मेरे लिए बहुत ही हार्ट फेल्ड मोमेंट था। नंबर 4, ब्रॉक एट रसलमेनिया 38। दोस्तों इस साल रसलमेनिया में हुए मैच रोमन रेस वर्सेस ब्रॉक लेसनर के चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच को आपने देखा ही होगा। अब इस मैच में सबकी निगाहें बस इसी पर थी कि क्या ब्रॉक लेसनर रोमन रेस को हरा पाएंगे, लेकिन ब्रॉक लेसनर ऐसा नहीं कर पाए और रोमन रेस ने इस मैच में ब्रॉक लेसनर को हरा दिया। अब इस मैच के ऑफर जाने के बाद ब्रॉक की ऑफर वाली वीडियो आई, जहां वो हारने के बाद खड़े होने का ट्राई कर रहे थे और खड़े होकर फैंस को गुड बाय भी कर रहे थे। अब गाइस ये मोमेंट इसलिए भी ज्यादा इमोशनल था क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ब्रॉक अब कभी भी WWE में वापस नहीं आएंगे। नंबर 3, ब्रॉक एट क्राउन जूल। दोस्तों कॉबॉय ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के बाद उनका यह पहला मैच था अगेंस्ट रोमन रेंस। अब फर्स्टली ये मैच बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल था क्योंकि फर्स्ट टाइम ब्रॉक लेसनर का मैच ट्राइबल चीफ रोमन रेस के साथ होने वाला था और ब्रॉक लेसनर रोमन रेस को कैसी टक्कर देंगे किसी को भी नहीं पता था। बट अगेन रोमन रेस ने ब्रॉक लेसनर को इस मैच में हरा दिया और वो वहां से चले गए। आप गाइस अगर आपने इस मैच की ऑफर वाली वीडियो देखी होंगी तो आपने देखा होगा कि ब्रॉक लेसनर फैंस को थैंक्स बोल रहे थे और पूरे क्राउन जूल अरीना में ब्रॉक लेसनर को फैंस चीयर भी कर रहे थे। अब अगेन गाय बीस्टिन का ने ब्रॉक लेसनर को देखने वाले फैंस को अगर ऐसा कुछ देखने को मिल जाए तो इमोशनल होना तो जाहिर सी बात है। नंबर 2, ब्रॉक एट रसलमेनिया 30। दोस्तों बीस्टिन का ने जिसके सामने कितना भी स्ट्रॉन्ग सुपरस्टार है वो सुपलेक्स सिटी तो पहुंच ही जाता है, ऐसे ब्रॉक लेसनर भी इमोशनल हो सकते है। अब रसलमेनिया 30 में ब्रॉक लेसनर ने अंडरटेकर की स्ट्रीक को एंड किया था। आप 21-0 अंडरटेकर का बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड था और सबको ऐसा ही लग रहा था कि अंडरटेकर उनके रिटायरमेंट तक अनडिफीटेड सुपरस्टार रहेंगे, लेकिन ब्रॉक लेसनर ने अंडरटेकर को हरा दिया। अब पूरा अरीना इससे शॉक हो गया था और जी जरूर ब्रॉक लेसनर की हुई थी, लेकिन चांस अंडरटेकर के लग रहे थे। और अगर आपने बैकस्टेज वाली फुटेज देखी होंगी तो बैकस्टेज भी सेम माहौल था और यहाँ तक कि ब्रॉक लेसनर भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे। आप ब्रॉक लेसनर जैसे सुपरस्टार को सिर्फ अंडरटेकर जैसा सुपरस्टार ही भावुक कर सकता है। आप नंबर 1 ब्रॉक लेसनर के इमोशनल मोमेंट के बारे में डिस्कस करने से पहले बिग शॉट आउट टू साद खान, मोहम्मद तारिक, MTA गेमर, फैजा मैन, FTR गोस्ट गेमर, WWE अमेरिकन आरटी एक्सपर्ट गेमिंग एंड प्रनीश दहल। सॉरी अगर किसी का नाम गलत प्रोनाउंस किया हो तो, बट आप सभी को बिग शॉट आउट। एंड मेरे दूसरे व्यूवर जिन्हें वीडियो में फीचर होना है तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पे कमेंट करो। एंड फाइनली नंबर 1, ब्रॉक लेसनर एट समरस्लैम 2022। फर्स्ट ऑफ ऑल रोमन रेस वर्सेस ब्रॉक लेसनर का समरस्लैम 2022 का भाई साहब क्या मैच था ये। आप गाइस भले ही इस मैच को रोमन रेस ने जीता, लेकिन इस मैच के हीरो ब्रॉक लेसनर है। अब इस मैच के एंड होने के बाद ब्रॉक लेसनर उनकी ब्रेक की हुई रिंग में चढ़ते और उनके हेड पहनकर रिंग के टॉप पर बैठकर हंसने लगते। आप गाइस सच में यार इस बार ब्रॉक लेसनर को देखकर पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। अब ये थे 5 ब्रॉक लेसनर के इमोशनल एंड सैडेस्ट मोमेंट्स। दोस्तों ब्रॉक लेसनर इतने सालों से हमें एंटरटेन करते आए हैं, तो उनके लिए कमेंट बॉक्स में थैंक यू लेसनर का कमेंट करना तो बनता है। और आपको ब्रॉक लेसनर का कौन सा मोमेंट ज्यादा इमोशनल लगा कमेंट करके जरूर बता देना। सो बस आज की वीडियो यही तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और अगर आप पहली बार रेसलिंग टॉक हिंदी पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।